विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अनिल डांगी के नेतृत्व में जनसंपर्क अभियान का विधिवत आगाज 1 मार्च को होगा। पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष डांगी ने यह बात सोमवार को पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने बताया कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ उपनगरपुर के संतोषी माता मंदिर से होगा। यात्रापुर से बिलिया, बापूनगर, पांसल चौराया, गांधीनगर, गंगापुर तिराया सहित शहर के प्रमुख क्षेत्रों से होती हुई सांगानेरी गेट पहुंचकर संपन्न होगी। करीब 15 किलोमीटर की इस यात्रा में भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के सभी कांग्रेस पदाधिकारी, पीसीसी मेंबर, निवर्तमान जिलाध्यक्ष, पार्षद, पूर्व पार्षद, सभी ब्लॉक पदाधिकारी, सभी अग्रिम संगठनों के जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष आदि पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि व पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे। डांगी ने बताया कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत निकाले जाने वाली यात्रा के माध्यम से राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार द्वारा दिए गए जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुँचा कर बताया जाएगा कि किस तरह राजस्थान की वर्तमान सरकार समाज के हर वर्ग के विकास व कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। चिकित्सा शिक्षा सहित कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा गया जिसमें आम जन को लाभ नहीं पहुंचाया गया। अभियान के माध्यम से केंद्र की भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों की जानकारी भी आम जन को दी जाएगी। विधानसभा क्षेत्र में पिछले करीब 15 वर्ष से भाजपा विधायक व नगर परिषद बोर्ड में भाजपा के सभापति होने के बावजूद उन्हें शहर के विकास एवं जन समस्याओं के समाधान के लिए कोई प्रयास नहीं किया है, जिसके कारण आज आमजन को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा विधायक व सभापति के पास झूठे वादे और बयानबाजी के अलावा उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोपों की झड़ी लगी हुई है, लेकिन कभी सफाई नहीं दी। इस दौरान कांग्रेस के शिव कुमार कौशिक, पूर्व सभापति मंजू पोखरना, भवन मौजूद थे। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के माध्यम से हम जनता तक सरकार की उपलब्धियां पहुंचाएंगे और राहुल जी का मैसेज पहुंचाएंगे, इसलिए आज हमने ये प्रेस वार्ता की है। इसके लिए हम 1 मार्च को पुर से इस यात्रा को प्रारंभ करेंगे और सांगानेरी गेट तक इस यात्रा को रखेंगे, जिसमें हमारे कांग्रेस के सभी साथीजन, कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण भाग लेंगे। उसको सुरेंद्र सिंह जी जाड़ा साहब हमारे चित्तौड़ के वो आएंगे और वो हरी झंडी वहाँ से दिखाएंगे, इसलिए आज ये प्रेस वार्ता की है। और इस के माध्यम से हम फिर बाद में सभी वार्डों के अंदर घरों घरों में जाकर के अशोक गहलोत जी की जो हमारी सामाजिक जितनी योजनाएं अभी बजट में घोषित की है उनको उनके जन जन तक पहुँचाएंगे, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे वो बिजली का 100 यूनिट का माफ करने का मामला हो, और सभी महिलाओं को जो किराए से छूट मिली है, जो अशोक जी गहलोत ने बच्चों के लिए, सभी उद्योगपतियों के लिए, सबके लिए जो योजनाएं बनाई है उनका हम घर घर प्रचार करेंगे और आने वाले चुनाव के लिए हम जनता को हमारे हाथों से हाथ जोड़ने के लिए प्रस्तावित करेंगे कि आप हमारे साथ जुड़िए। जो हमारी दूरियाँ बढ़ी है जनता के बीच में, उन दूरियों को करने का हम प्रयास करेंगे और जनता की योजनाओं को हम वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे।